थाने और पुणे में पिछले कई दिनों से हाउस ब्रेकिंग के वारदात को अंजाम दे रहे दो शातिर अपराधियों को पुणे पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने घर दबोचा। इन अपराधियों से पूछताछ करने के बाद कई खुलासे सामने आए। इन दोनों की दोस्ती पुणे के अरवडा जेल में हुई थी। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि जेल से छूटने के बाद शुरू हुआ वारदात को अंजाम देने का सिलसिला। अपराधी नंबर 1 हर्ष गुलाबराव पवार, उम्र 24 साल, इस पर हाउस ब्रेकिंग के 40 से अधिक मामले महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज है और कई बार जेल में भी जा चुका है। अपराधी नंबर 2 मधुकर देशमुख, उम्र 38, इस पर 2 मामले दर्ज है। इन अपराधियों के पास सोने चांदी के जेवरात समेत कुल 17 लाख रुपयों का माल बरामद किया गया। इन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस अधिकारी नितिन भोसले पाटिल, दिनेश पाटिल, पुलिस कर्मी गजानन सुनेनू, अश लोखंडे, विजवान जिनेडी आदि टीम ने अहम भूमिका निभाई। द आइनस न्यूज चैनल के लिए पुणे से राकेश छाजेट की खास रिपोर्ट। ऐसा है कि पुणे शहर में गत कुछ दिनों में हाउस ब्रेकिंग के इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी हुई थी और इसके बारे में क्राइम ब्रांच के सभी ऑफिसर्स जो है और सभी यूनिट्स हैं इनको हिदायत दी गई थी कि जो रिकॉर्ड में जो क्रिमिनल है हमारे इनकी कड़ाई से तफ्तीश की जाए। और जब ये हमारा काम चल रहा था तो यूनिट 1 के हमारे कर्मचारी गजानन सोनू ने इनको एक अहम जानकारी मिली। उसके मुताबिक 2 अभियुक्त जो है, एक हर्षद पवार और दूसरा जो है दिनेश देशमुख, इनको पकड़ा गया और उनका इंट्रोगेशन किया गया। उनका जो इंट्रोगेशन किया उसके बाद उसने उन्होंने बताया कि उन्होंने पुणे सिटी कमिश्नरेट में कई जगह पे उन्होंने हाउस ब्रेकिंग की है, जिसमें कि हड़पसर, विश्रांतवाड़ी, भारतीय विद्यापीठ, सिंहगढ़ रोड, अलंकार, बिबेवाड़ी, कोरेगांव पार्क, ऐसे विविध पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में इन लोगों ने हाउस ब्रेकिंग किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन अभियुक्तों से करीबन 522 ग्राम सोने के जेवरात और 880 ग्राम चांदी के जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई जिसकी वैल्यू 17 लाख रुपए के करीबन है। ये जो अभियुक्त क्रमांक 1 जो है हर्षद पवार जो है, इसके खिलाफ में 40 हाउस ब्रेकिंग के पहले के जो अपराध जो है उसमें दर्ज है।